क्या इंडिया एक फूड क्राइसिस से गुजर रहा है? पहले गवर्नमेंट ने वीट एक्सपोर्ट्स बैन किए, फिर नॉन बासमती व्हाइट राइस, और अब वीट पे लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को भी कम करने की बातें चल रही हैं। दरअसल इस बार इराटिक रेन्स और हीट वेव्स की वजह से हमारा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन अफेक्ट हुआ है, तो डोमेस्टिक डिमांड्स पूरी करने और फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ये स्टेप्स ले रही है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्लोबली कई कंट्रीज फूड क्राइसिस और हंगर इश्यूज फेस कर रही हैं। यूएस कनाडा में तो लोग ग्रेन्स होर्ड कर रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं बढ़ रहा है। प्लस क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से क्रॉप्स का अफेक्ट होना और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल फूड सप्लाई चेन का डिसरप्ट होना, इन रीजंस की वजह से इंटरनेशनली फूड प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए।